हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्लिंथ लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हम लोगों ने वैदिक एज की पढ़ाई लास्ट क्लास में किया था, जिसमें हम लोगों ने अर्ली वैदिक एज सिस्टम के बारे में बेसिकली देखा था। इस अर्ली वैदिक सिस्टम में बेसिकली हम लोगों ने दो टाइप की चीजें देखी थी, एक जो लिटरेचर से रिलेटेड थी, जहां पर हम लोगों ने जितने भी हमारे वेदाज हैं या जितने भी हमारे इससे रिलेटेड, इस टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कह लीजिए बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे ब्राह्मण्स हो गए, आरण्यकस हो गए और उपनिषद हो गए, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने अर्ली वैदिक सिस्टम के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया हुआ था। तो हालांकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन जरूर हो गई थी, बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल दीज फैक्ट्स, बिकॉज दिस एक्चुअली मेक्स यू इंडियन। इंडियन होने के लिए आपको अपनी हिस्ट्री जानना काफी जरूरी होता है। जनरली जितनी भी चीजें होती हैं, वेदर आवर एजुकेशनल सिस्टम और आवर एग्जामिनेशन एक्ट डू नॉट फोकस मच हियर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो ये जरूरी हो जाती है सारी चीजें पढ़। इसको आप लोग केवल पढ़ाई के तरीके से मत देखिए कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आप इसको देखिए कि आपको नॉलेज मिल रही है। You are getting so much of knowledge about your Vedic system, आपके ancestors के बारे में पता चल रही है, कई सारी चीजों के बारे में आज मैं ऐसी ऐसी बताऊंगा कि आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में जो सिस्टम आज की डेट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रही है। बहुत सारी स्टोरीज तो काफी इंटरेस्टिंग है, फटाफट स्टार्ट करते हैं, उन सारी स्टोरी को देखेंगे हम लोग। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। But before that, these are our contact details and these are some of the available courses on YouTube. These are Prelims Special, Mains Special and Test Series based on subscription. तो हम लोग अगर बात किया जाए, सबसे पहले हम लोगों ने अर्ली वैदिक सिस्टम के बारे में बात किया था, जहां पर सब कुछ था बट एक चीज नहीं थी और वो थी आयरन। आयरन की जैसे ही डिस्कवरी होती है, आयरन की जैसे ही खोज होती है, सिस्टम बहुत तेजी से बदल जाता है। मतलब इनफैक्ट जस्ट लाइक COVID-19 ने हमारे सोसाइटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। एजुकेशन सिस्टम में एक पूरा नई रिवॉल्यूशन लेकर के आ गई है, एंड दैट इज द डिजिटल एजुकेशन। हर जगह पे केवल डिजिटल एजुकेशन ही केवल दी जा रही है। सिमिलरली इस आयरन की डिस्कवरी ने भी काफी कुछ सिस्टम चेंज कर दिया था। यह सिस्टम केवल पॉलिटिकल नहीं था, यह सिस्टम केवल सोशल नहीं था और यह सिस्टम केवल इकोनॉमिक भी नहीं था, बल्कि इसने हर जगह पर अपना इंपैक्ट दिखाया था। इसके इंपैक्ट को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, बट दिस डिस्कवरी एंड द चेंज बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी हैज नेम्ड हिस्ट्री टू कैटेगराइज दिस फेज इन टू अ न्यू फेज दैट इज नोन एज लेटर वैदिक एज। और इस वजह से हम लोग इसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम लोग लेटर वैदिक एज या फिर बाद के जो वैदिक सभ्यता है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने अर्ली वैदिक एज में देखा था कि यहां पर वेदास थे, हमारे पास फोर टाइप ऑफ वेदास थे, जहां पर ऋग्वेद थी, सामवेद थी, यजुर्वेद थी और साथ ही साथ में अथर्ववेद थी। इस वेद के साथ साथ में कुछ और भी कह लीजिए कि बुक्स हुआ करती थी, बुक्स तो नहीं एग्जैक्टली बट लिटरेचर्स आप बोल सकते हैं, लिटरेचर्स हुआ करती थी जो इस टेक्निकल सब्जेक्ट को आसान बनाती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणा लिटरेचर या अरण्यकाज। अरण्यकाज था ना, बहुत सारी बातें किया थे हम लोगों ने, ऐतरेय ब्राह्मण, फिर कौशितकी ब्राह्मण, सिमिलरली ऐतरेय और डिफरेंट टाइप ऑफ उपनिषद के बारे में हम लोगों ने बात किया था, एंड दिस इज उपनिषद। उपनिषद के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जहां पर हम लोगों ने बोला था 108 टाइप ऑफ उपनिषद आर देयर, जिसमें से 12 केवल और केवल अभी तक खोजे जा चुके हैं और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज भी दी गई हैं। और इस तरीके से हम लोग इन सारे वेद को इस टॉपिक्स, इस लिटरेचर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, 10th लिटरेचर, जिसको कि शंकराचार्य ने कंपाइल किया था। शंकराचार्य ने कंपाइल किया था, भाष्य लिखी हुई थी, ठीक है। ऑलरेडी इस सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। लेटर वैदिक एज में क्या होता है, इसके दो और नए लिटरेचर सामने आते हैं। एक को बोला जाता है वेदांग, वन इज द वेदांग, जिसमें टोटल एंड टोटल 6 वेदांग्स आते हैं और साथ ही साथ में उपवेद सामने आते हैं। ये कौन कौन से उपवेद हैं, 4 टाइप ऑफ वेद होते हैं, 6 टाइप ऑफ
वेदांग्स होते हैं। अगर इन वेदांग के बारे में देखें तो दे आर बेसिकली सिक्स टाइप ऑफ वेदांग्स, जिसमें एक बोलते हैं निरुक्त या एटमोलॉजी, दूसरी होती है शिक्षा या फोनेटिक्स, तीसरी होती है छंदक्स या फिर मीटर बोलते हैं, फोर्थ वन इज द व्याकरण और द ग्रामर, फिफ्थ वन इज द कल्प और रिचुअल, एंड सिक्स वन इज ज्योतिष या फिर एस्ट्रोनॉमी। अगर इसके बारे में देखें व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज, निरुक्त का मतलब होता है एक तरीके से कह लीजिए डिक्शनरी या फिर एटिमोलॉजी, जहां पर आप जो होती है जो वर्ड्स होते हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर ये इंग्लिश हिंदी या इस सब के वर्ड नहीं है, बेसिकली ये संस्कृत वर्ड है, दीज आर द संस्कृत वर्ड। और इस संस्कृत वर्ड में मैं कहूंगा कि एक चीज आप लोग इंपॉर्टेंट है और वो याद रखिएगा, यहाँ पर एक मुनि साहब है, मतलब कह लीजिए कि एक ऋषि है, और उनको आपको याद रखना है, केवल नाम याद रखिएगा, कश्यप ऋषि। तो ये जो हमारे हिंदी में लिख देता हूं ताकि आसानी समझ में आ जाएगा, कश्यप ऋषि, इनको याद रखिएगा, इन्होंने संस्कृत के शब्द लिखे थे इन्होंने, ठीक है। इसको व्युत्पत्ति शास्त्र भी बोलते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट नाम याद रखने की, मतलब टेक्निकल जो लिटरेचर पार्ट है उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल जो ये ऋषि साहब है जिन्होंने लिखा हुआ है उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज द शिक्षा फोनेटिक्स, यहां पर क्या है प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है, तो दिस इज द ओल्डेस्ट डील्स विद द प्रोनाउंसिएशन, बेसिकली ये आपको शिक्षित कर रहा है, एजुकेट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द छंदोक्स, यहां पर क्या है दिस इज रिलेटेड विद द रिसाइटेशन। तो छंद का मतलब आप लोगों को पता ही है कि कई सारे छंद शास्त्र और जितने भी चीजें रिलेटेड हैं वो आपको पता ही होंगे कि छंद क्या होती है, हिंदी का एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है एंड उसे रिलेटेड होता है। यहां पर आपको नाम याद रखना है एक ऋषि साहब है जिनका नाम है पिंगल ऋषि, तो पिंगल मुनि का नाम आप याद रखिएगा, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वन इज द व्याकरण, व्याकरण आप लोगों को पता ही है कि ग्रामर को व्याकरण बोला जाता है, यहां पर जो होती है पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, अष्टाध्यायी अगेन वेरी टेक्निकली रिटन है और इसी वजह से इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा गया, सिंप्लीफाइड वर्जन इसको दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था महाभाष्य के रूप में पतंजलि के द्वारा। तो अगेन पतंजलि जो योग गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने लिखा हुआ था महाभाष्य, एंड दिस महाभाष्य इज बेसिकली व्हाट इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ऑफ द अष्टाध्यायी, इसी को हिंदी में बोला जाता है अष्टाध्यायी की टीका, ठीक है, टीका इज बेसिकली द सिंप्लीफाइड वर्जन। नेक्स्ट वन आती है कल्प या फिर रिचुअल्स के फॉर्मेट में, तो ये जो कल्प होती है बेसिकली इसमें कई सारी चीजों के बारे में बताया गया है, दिस इज एक्चुअली द सोशल लॉ, इसको आप बोल सकते हैं कि इट इज अ इंडियन लॉ जो कि सोसाइटल बेस्ड था, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली अ सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को बताया गया है, सामाजिक जो कहा जाता है ना कि कह लीजिए कि जो नॉर्मल समाज की नॉलेज होती है, सामाजिक ज्ञान जो होता है उसी को बोलाता है सोशल ऑर्डर। यहां पर बेसिकली कई कई तरीके के लिखे गए हैं, जैसे एक होती है जिसको बोलाता है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का मतलब होता है जहां पर हाउस होल्ड सेरेमनी से रिलेटेड होता है। इस धर्मशास्त्र का मतलब जैसे पॉलिटिकल, सोशल और जितने भी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे वर्ल्ड व्यवस्था हो गया, वर्ल्ड सिस्टम, सिमिलरली पुरुषार्थ हो गए, इन सब के बारे में यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट वन सुल्व सूत्र बोला जाता है, सुल्व सूत्र का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके से ज्योमेट्री से रिलेटेड रेखा गणित, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि जितनी भी यज्ञ वेदिका बनाई जाती थी जिसमें यज्ञ होते थे उसका एक डायमेंशन होता था और वो डायमेंशन बेसिकली इसी से निकाला जाता था, सुल्व सूत्र से। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, याद रखिएगा, कई बार लोगों से पूछा जाता है, पूछा क्या मतलब, इनफैक्ट कई बार डिबेट हो जाती है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि एक्चुअली द ज्योमेट्री और द रेखागणित थिंग हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम द इंडिया, वेस्टर्न वालों को चुप करा सकते हैं आप इस पॉइंट पे। इसके बाद आती है श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र का मतलब ये होता है कि दिस डील्स विद द सोशल सेरेमनी, सोशल सेरेमनी का मतलब हो गया मैरिज हो गई, बर्थ हो गई, या जितने भी यज्ञ कराने वाली चीजें होती हैं, सैक्रिफाइसेस होती हैं, वहां पर ये श्रौत सूत्र जो है वो सामने आती है। तो ये थी बेसिकली फिफ्थ वन, दैट इज अ कल्प। इसके बाद लास्टली आ जाती है ज्योतिष या फिर एस्ट्रोनॉमी, पता ही है आपको कि दिस इज रिलेटेड विद द प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम और जितनी भी बाहर की अंतरिक्ष की यूनिवर्स की सिस्टम होती है उसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर तीन नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, एक है गार्गी संहिता, गार्गी
संहिता, ठीक है। इसके अलावा नारद संहिता, संहिता, ठीक है। और एक और याद रखना है आपको, दैट इज द वृहद संहिता, वृहद संहिता। क्लियर हो गया, वृहद मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली वेदांग्स है, सिक्स वेदांग्स आर देयर, विच इज अगेन टू रिजॉल्व द टेक्निकलिटी ऑफ वेदास, ठीक है, जो कि वैदिक एज में लिखी गई थी। इसके अलावा हमारे पास फोर और उपवेदास हैं, लाइक धनुर्वेदा, ये नंबर वन हो गया, नंबर टू गंधर्व वेद, थर्ड वन इज द स्थापत्य, दिस इज स्थापत्य, दिस इज रिलेटेड विद द आर्किटेक्चर, ठीक है। फोर्थ वन इज द आयुर्वेद, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि अथर्व वेद में केवल और केवल ब्लैक मैजिक के बारे में नहीं बल्कि मेडिसिन के बारे में भी लिखा गया, एंड दैट इज द टेक्निकलिटी एंड विच हैज बीन रिजॉल्व्ड बाय दिस उपवेद, ठीक है। फोर्थ उपवेद विच इज रिलेटेड विद या एसोसिएटेड विद अथर्ववेद हो जाएगा। यजुर्वेद ये स्थापत्य से रिलेटेड है, एंड सामवेद आपको पता है दिस इज रिलेटेड विद द म्यूजिक, एंड म्यूजिक में गांधर्व वेद आ जाती है। सिमिलरली ऋग्वेद इज रिलेटेड विद धनुर्वेद। तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं, रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाएगा, तो अब हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और बीच बीच में बहुत सारे और भी चीजों के बारे में बताता रहूंगा, उसको भी आपको ध्यान से सुनते रहना है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रुकिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पहले हम लोग अगर अर्ली वैदिक को एक बार फटाफट रिवाइज करें तो वहां पर क्या होता था, वहां पर होती थी कि एक सबसे पहले तो सिस्टम क्या होता था, सिस्टम होता था इस तरीके से, दिस वॉज द सिस्टम। सिस्टम में सबसे पहले सबसे नीचे के लेवल पे क्या होता था, कुल होता था ना, कुल होती थी, मतलब कि दिस अ फैमिली, ये होती थी कुल या फिर फैमिली। कुल से मिलकर के क्या बनता था, विलेज बनती थी, जिसको कि हम लोग बोलते थे ग्राम। इस ग्राम से मिलकर के क्या बनता था, गण जन, ठीक है, यानी मतलब ग्रुप ऑफ द पीपल एक तरीके से बोल सकते हैं। और लास्टली बन जाता था जो भी वहां का ट्राइबल्स हो गए या फिर जो भी वहां की कबीला हो गया, तो ये बेसिकली कबीला बन जाता था, इसी को हम लोग बोल देते हैं कई बार ट्राइबल्स। तो ये सिस्टम हो जाती थी। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारे कबीले होते थे, बहुत सारे छोटे छोटे इनफैक्ट एरियाज होते थे जिसमें छोटे छोटे राजा होते थे। यहां पर इसको बुलाता था राजन, गण को बुलाता था गणपति, ठीक है, ग्राम में बुलाता था ग्रामपति, इनफैक्ट गण की जगह पे विश होती थी एक्चुअली, एंड दिस वॉज विशपति, ठीक है। और कुल में तो सीधी सी बात है कुलपति ही हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, राजन में हम लोगों ने बात किया था, एक और हम लोगों ने देखा था दस राज युद्ध के बारे में बात किया था, दस राज वॉर के बारे में बात किया था, जहां पर हम लोगों ने बात किया हुआ था कि जो हमारे किंग साहब थे भरत कबीले के, सुदास, राजा सुदास, और इन्होंने किस तरीके से वॉर लिया था और वशिष्ठ को अपॉइंट कर दिया था विश्वामित्र की जगह पर, और अल्टीमेटली विश्वामित्र ने 10 लोगों को इकट्ठा करके जो राजा सुदास थे उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट एक वॉर कर देते हैं, और वो पौरुषणी रिवर यानी रावी रिवर के पास में वॉर होती है, और अल्टीमेटली राजा सुदास जीत जाता है और इस तरीके से ये एरिया कैप्चर हो जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, दशराज युद्ध के बारे में बात किया हुआ था, जो कि ऋग्वेद के किस मंडल में लिखा हुआ है, सेवेंथ मंडल में लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकलिटीज, देखिए बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आप चीजों को याद कर लेंगे, कंप्रिहेंड कर लेंगे, एटलीस्ट आप अपने एसे में या फिर ऑब्वियसली हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सब जगहों पे आप लिख सकते हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर सीरीज, क्वेश्चन आंसर भी मैं करूंगा, टेलीग्राम में मैंने हल दो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, टेलीग्राम जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आपको मटेरियल, अच्छा कई लोग मटेरियल मटेरियल बोलते रहते हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रही है, देखिए मोस्ट ऑफ द पीडीएफ आर अवेलेबल ओनली फॉर द जीएस पार्ट एंड बट कुछ पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, जैसे ज्योग्राफी की कुछ पीडीएफ है वो अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इट डाउन फ्रॉम द स्लाइड्स, स्लाइड से आपको लिख लेना है, और जितना ज्यादा देखिए आप लिखे रहेंगे ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मेक यू मोर एंड मोर कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट, जितना ज्यादा आप लिखे रहेंगे ऑब्वियसली उसकी राइटिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो जाएगी, तो आपके लिए एग्जाम में काफी फायदा होने वाला है। तो जिसकी स्लाइड्स ना मिले आप लोग उसको राइट डाउन कर लिया करिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर, तो ये हम लोगों ने बात किया हुआ था किस तरीके से ये सिस्टम हुआ करता था, इस सिस्टम को हम लोगों ने ये भी बोला था कि दिस वॉज अकाउंटेबल, ये अकाउंटेबल होती थी। अकाउंटेबल के लिए हम लोगों ने फोर बॉडीज के बारे में बात किया हुआ था, कौन कौन सी फोर बॉडीज थी, एक थी सभा, इसके अलावा समिति, इस समिति के अलावा विदत हुआ करता था, और लास्टली एक होता था गण। तो ये बेसिकली चार
बॉडीज हुआ करती थी, ये एक तरीके की हम लोगों ने बात किया था, दिस इज समथिंग लाइक लोकसभा, दिस इज समथिंग लाइक राज्यसभा, और यहां पर भी एक तरीके की काउंसिल हुआ करती थी ये जो देख रही होती थी, और एक्चुअली ये मैच्योर्ड काउंसिल थी जिसमें ओल्ड एज के पीपल भी थे और महिलाएं भी थी, वुमेन्स थी और भी कुछ और भी इंटेलेक्चुअल पर्सन को रखा गया था। और ये जो होती है, जो भी कुल है, इसके चीफटेंस थे, मतलब कह लीजिए कि जो भी सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे होंगे वो लोग यहाँ पर रहते थे। ये लोग जो है वो राजा डिसाइड करते थे कि आखिर में हमारा किंग कौन होगा। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर चीजें हुआ करती थी। ऑल दो ये जो राजा होता था वो एक तरीके से क्रोनोलॉजी में रहते थे, क्रोनोलॉजी का मतलब कि इन्हीं के वंश के, इन्हीं के डायनेस्टी के ही रहेंगे। तो बेसिकली ये जो चीज चलती थी वो इस तरीके से चल रही थी। यहां पर अगर बात करते हैं वुमेन की पोजीशन क्या थी, तो वुमेन की पोजीशन काफी अच्छी थी, हर जगह पे ये पार्टिसिपेट कर रहे होते थे और यहां पर सबको सबको जो है सिस्टम मिला हुआ था। तो ये तो हम लोगों ने बात किया हुआ था अपने अर्ली वैदिक वाले पीरियड में। अभी क्या हुआ है ऋग वैदिक, मतलब कि लेटर वैदिक में, कलर चेंज करते हैं ताकि डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए होता क्या है कि ये जो कबीला है, अब ये कबीले और ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज होकर के ये नेक्स्ट लेवल बना देते हैं, नेक्स्ट लेवल इज जनपद बना देते हैं, जनपद। हालांकि बाद में जाकर के ये जनपद भी और ऑर्गेनाइज होते हैं और महाजनपद बना देते हैं, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, बट यहां पर फिलहाल ध्यान में रखिएगा जनपद बन जाते हैं। जनपद बनने का मतलब क्या है कि जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया में जैसे भरत कबीला हुआ करता था, भरत और कुरु ये मिल करके एक कबीला बन गया था जिसको हम लोग बोलते हैं कुरु कबीला। हालांकि हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में, तो अभी याद रखने की सच जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पांचाल जनपद बन गया था। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में थोड़ी थोड़ी अब एक बड़ी एरिया या बड़ी यूनिट निकल के आ रही थी, जिससे अब स्ट्रक्चर जो है और ज्यादा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से यहां पर जो सिस्टम हो गया वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या सिस्टम था। ओके, अब इसके बाद से जो ये हमारी चार बॉडीज हैं, जहां पे सभा है, समिति है, विदत है और गण है। गण का तो ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस तो है नहीं, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक सिंपल एक ग्रुप ऑफ द पीपल है, लेकिन जो सभा, समिति और विदत है ये इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। यहां पर दिक्कत क्या हुई, सभा और समिति का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो गया और जो विदत थी ये तो पूरी तरीके से डिजैपियर हो गई, मतलब इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। व्हाट डज दैट मीन, इट मींस दैट इसका जो राजा हुआ करता था, नाउ ही इज नो मोर अकाउंटेबल, ये अकाउंटेबल नहीं है। और अकाउंटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि अब ये राजा जो था उसको मान लिया गया था कि ही इज द डाइटी, ये जो है खुद भगवान है। यहां पर बेसिकली अब ये माना जाने लगा था कि जो राजा है वो भगवान का एक रूप है, एक अवतार है, और इस तरीके से यहां पर कह लीजिए कि एक दैवीय प्रिंसिपल लगना शुरू हो गया था कि द किंग इज द किंग इज अ वर्जन ऑफ गॉड। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें सामने निकल करके आना शुरू हो गई थी, जो कि धीरे धीरे पता चल रहा है कि यहां पर किस तरीके से स्थिति, किस तरीके से पोजीशन जो है वो खराब होते जा रही है पूरे सोसाइटी की, मतलब सोसाइटी में किस तरीके से यहां पर अब डोमिनेंस वाली पोजीशन स्टार्ट हो जाती। तो बेसिकली एक डोमिनेंस देखने को मिलना शुरू हो जाता है, बिकॉज द सिस्टम इज नो मोर अकाउंटेबल, नो मोर ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियसली द सिस्टम इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर करप्ट। और इसी वजह से हमारे एथिक्स में चैप्टर होता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का, उसके बारे में हम मेंस में देखेंगे क्या चीज है। फटाफट देखिए क्या चीज है, तो लेटर वैदिक पीरियड में विदत कंप्लीटली डिजापियर हो गया, सभा एंड समिति का जो इंपॉर्टेंस था इट कंटिन्यू टू होल्ड द ग्राउंड, बट देयर कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गया था। वुमेन नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन द सभा, यानी कि वुमेन की पोजीशन लगातार खराब होती जा रही है। इट इज नाउ बीन डोमिनेटेड बाय किसके द्वारा, नोबल्स एंड ब्राह्मण्स के द्वारा। यहां पर एक्चुअली होता क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ब्राह्मणिज्म एक तरीके से कह देते हैं कि यह डोमिनेट करना शुरू हो गया। और उसके पीछे रीजन है व्हाई दिस डोमिनेटेड, हम लोगों ने बात किया हुआ था आयरन, हर चीज का यहां पर रीजन आयरन की डिस्कवरी है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर अगेन आपको समझने की जरूरत है, और बुक्स में जनरली थोड़ा सा यहां पर मिसिंग एलिमेंट होता है, इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हियर की क्या चीज है। यहां पर देखिए हुआ क्या कि जब ये आयरन की खोज हो गई, तो जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम हुआ करता था वो एग्रीकल्चर अब लकड़ी, जहां पर वुड के जितने भी प्लॉशियर्स या फिर कह लीजिए कि जो हल यूज किया करते थे, वो अब मेटल का या फिर कह लीजिए आयरन का बनना शुरू हो गया।
यहां से दो चीजें हुई, एक तो आयरन का जब हल बनना प्लॉशियर बनना शुरू हो जाएगा तो उससे होगा क्या कि न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के कारण से ऑब्वियसली जो वैश्य है उनकी स्थिति उनकी पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। सेकेंडली जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर करने वाले कौन थे मेनली, एग्रीकल्चर करने वाले थे मेनली शूद्रास या फिर वैश्य। तो अब यहां पर दो कंडीशन है, या तो इनकी पोजीशन ऑब्वियसली इनकी पोजीशन अच्छी जाएगी, क्षत्रिय को इनसे कोई मतलब नहीं है, क्षत्रिय क्या करते थे वो तो बेसिकली प्रोटेक्टर है तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो बचे हैं ब्राह्मण्स अब वो क्या करेंगे, इनका काम क्या है एजुकेशन देने वाला काम है। बट यहां पर दिक्कत क्या होती है, पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है। होता क्या है अब कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा अब एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली ये नई इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है, नए स्कल्पचर्स मतलब कि नए प्लॉ नए हल बनना शुरू हो गया है। इस हल के कारण से ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो जाएगी तो ये भी पैसा कमाएंगे, यहां पर भी पैसा कमाएंगे और जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर होगी उतना ज्यादा इनको टैक्स जाएगा तो इनको भी पैसा मिल गया। तो पैसा मिल किसको नहीं रहा है, केवल और केवल ब्राह्मण्स को यहां पर पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि देखो कुछ ना कुछ पावर यूज करना पड़ेगा। इनके पास पावर क्या थी, इनके पास पावर थी वेदास एंड नॉलेज की, और इस नॉलेज से ये लोग डरा सकते थे सबको और यही बेसिकली हुआ। यहां पर इन्होंने कहा कि देखिए एग्रीकल्चर के लिए कोई भी नया स्टार्ट करने जा रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यज्ञ कराइए, सेक्रीफाइसेस कराइए, और इसको कराने का काम किसका था, ब्राह्मण्स का काम था। तो इस तरीके से इनका भी एम्प्लॉयमेंट इनकी भी निगल पड़ी। तो इस तरीके से सिस्टम जो है वो करप्ट होना शुरू हो गया, डराना शुरू हो गया। तो इस ये बेसिकली रीजन है आयरन के आने का। तो आयरन जैसे ही आया उसी तरीके से सारा का सारा सिस्टम जो होता है वो बदलना शुरू हो गया था। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तो समझ सकते हैं आप क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ वाइडर किंगडम मेड द किंग मोर एंड मोर पावरफुल। तो बढ़ते आ रहा था, बढ़ते आएगा तो ऑब्वियसली इसकी पावर जो थी वो बढ़ती ही जाएगी। ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल, आप देख रहे हैं ये टेरिटोरियल बनना शुरू हो गया था, क्योंकि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे केवल और केवल एक ट्राइबल टेरिटरी की, अब वो बदल करके कबीले से बदल करके कहां चली गई है, एक जनपद बना लिया मतलब कि एक टेरिटरी बना ली है। और इनफैक्ट राष्ट्र शब्द का वर्ड का पहला इंडिकेशन यहीं से मिलता है, फर्स्ट अपियर इन दिस पीरियड द किंग परफॉर्म द राजसु। अब देखिए यहां पर कुछ डिफरेंट टाइप के यज्ञ होते थे, मैंने आप लोगों को बोला ना कि यहां पर यज्ञ करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से कई सारे यहां पर यज्ञ होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने टाइप के यज्ञ होते हैं उनको भी पहले समझ लेते हैं, पहले इस लाइन को देख लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द थिंग हियर इज द किंग परफॉर्म्ड, एक तो राजसु सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब यज्ञ होता है, तो राजसु सेक्रीफाइस यज्ञ करवाया जाता था जिसका काम होता था कि ये सुप्रीम पावर इससे मिल जाएगी इसको। ही परफॉर्म द अश्वमेघ, ये अश्वमेघ दूसरे तरीके का यज्ञ हो गया, विच मीन टू अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल ओवर एन एरिया इन विच द रॉयल हाउसेस कैन अनइंटरप्टेड। तीसरी जो होती थी वो होती थी वाजपेय यज्ञ, और ये भी अगेन चैरियट रेस होती थी, इसके बारे में भी देखेंगे क्या चीज है। तो देखिए बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के सेक्रीफाइसेस हैं, सेक्रीफाइसेस, अब देखिए सेक्रीफाइस फील नहीं आ रही है, यज्ञ करवा देते हैं। हमारे पास जो यज्ञ होते थे बेसिकली वो फाइव टाइप के हुआ थे, पांचों टाइप के मैं बता देता हूं, हालांकि वहां पर तीन चार टाइप के लिखे थे। एक होते हैं जिसको बोलते हैं राजसूय सेक्रीफाइस या राजसूय यज्ञ, दूसरी होती है जिसको बोला जाता है अश्वमेध यज्ञ या फिर अश्वमेध सेक्रीफाइस, नेक्स्ट वन इज वाजपेय सेक्रीफाइस, और उसके बाद से होता था अग्निस्टोम, अग्निस्टोम सेक्रीफाइस, और लास्टली होती थी एक और पंच सेक्रीफाइस या फिर पंच महायज्ञ, बेसिकली इसको बोलते थे सुपर सेक्रीफाइस या फिर सेक्रीफाइस, केवल केवल हम लोग लिख देते हैं यहां पर। राजसूय का मतलब यह होता था कि जब भी किसी किंग को अपना कोरोनेशन करवाना होता था, कोरोनेशन का मतलब भाई राज्याभिषेक जब करवानी होती थी तो उसको बुलाता था राजसूय, तो राजसूय यज्ञ होता था, मतलब यहां पर किंग का कोरोनेशन हो रहा है, किंग जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट वन इज अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में यह होता था कि अगर कोई राजा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता था तो वो क्या करता था कि अपना एक घोड़ा
अपना एक जो भी हॉर्स वगैरह है उसको भेज दिया होता था। घोड़ा जहां जहां जाएगा वो सारी टेरिटरी उस राजा के टेरिटरी के अंतर्गत मान ली जाती थी। अगर घोड़े को कोई रोकेगा तो ऑब्वियसली उसको फिर वॉर एक हो जाती है, दोनों के बीच में एक वॉर हो जाती है और अल्टीमेटली जो जीतेगा उसका एरिया वो निकल जाता था। तो इस तरीके से हॉर्स या फिर घोड़ा छोड़ दिया जाता था और ये चीज होती थी। जैसे हमारे जो राजा राम है तो इन्होंने भी जो है वो ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था और जिसको कि लवकुश ने पकड़ लिया हुआ था। ये सारा कुछ जो है वो उत्तरकांड में लिखा हुआ है। बात करेंगे हम लोग रामायण वगैरह के बारे में भी, इट इज ऑल्सो इन अवर टॉपिक। नेक्स्ट वन इज द वाजपेय यज्ञ। वाजपेय एक जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाहुबली, बाहुबली में क्या होता है कि दोनों के दोनों मतलब कि जो भी दोनों कास्ट हैं, जो दोनों कह लीजिए कि एक्टर्स हैं, वो दोनों एक रथ यात्रा करते हैं जिसको बोलते हैं चरियॉट रेस करते हैं और दोनों में से जो जीतता है उसी को फिर क्या होता है राज्य दे दिया जाता है, किंग बना दिया जाता है। इसी को बोलाता है वाजपेय यज्ञ, जहां पर रेस होती है, रथ यात्रा चरियॉट रेस होती है और उस तरीके से यहां पर जो भी जीतता है उसको फिर मतलब यज्ञ का मतलब जो भी मान लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज द अग्निस्टोम यज्ञ। अग्निस्टोम में क्या होती है कि यहाँ पर जो सेक्रीफाइसेस होती है वो बेसिकली किसी ना किसी एनिमल की दी जाती है टू किसको, अग्नि, अग्नि को दी जाती है जो भी सेक्रीफाइस किया जाते हैं। तो दिस इज वेरी नॉर्मल सेक्रीफाइस और यहां पर जो होती है नॉर्मल शांति व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए किया जाता था। लास्टली होती है पंच सेक्रीफाइस और ये है जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, और ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल और केवल राजा को करवाना है, ये सबको करवाना होता था। दिस इज नॉर्मल, दिस वॉज द नॉर्मल थिंग। यहां पर बेसिकली पांच तरीके के, पंच है ना तो फाइव टाइप ऑफ सेक्रीफाइस शुड बी देयर। पांच में कौन कौन सी होती थी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक होती थी जिसको बुलाता था ब्रह्म यज्ञ, तो दिस वन इज द ब्रह्म सेक्रीफाइस और ये बेसिकली नॉर्मल वेद और इन सब के चैंटिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट वन इज पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ, पितृ यज्ञ में होता था कि जब भी मतलब सपोज इन केस द फादर इज नॉट देयर तो जो सन होता था वो अपने फादर के मेमोरी में ये यज्ञ करवाता था और इसी को लेकर के पितृ पक्ष भी होता है, जहां पर श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध चढ़ाया जाता है, वही वाली चीज सेम चीज यहां पर होती थी पितृ यज्ञ के माध्यम से। नेक्स्ट होती थी अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ का मतलब होता था जो भी अतिथि आया है, जो भी मेहमान आया है या फिर जो भी मतलब आया हुआ है उसके लिए यज्ञ होती थी। नेक्स्ट वन इज देव यज्ञ। नेक्स्ट देव यज्ञ हुआ करती थी, यहां पर जो है देवताओं के लिए किया था, डायटीज के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज द भूत यज्ञ, जो कि अपने पास्ट के लिए करवाया जाता था, भूत यज्ञ, भूत सेक्रीफाइस। तो ये कुछ फाइव टाइप्स ऑफ यज्ञ हुआ करते थे जिनके बारे में हमें हम लोगों ने देख लिया, डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहां पर एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। राजसूय यज्ञ मैंने आप लोगों को बताया, दिस वॉज बेसिकली रिलेटेड विद द कोरोनेशन, कोरोनेशन से रिलेटेड था। तो यहां पर देख सकते हैं विच वॉज सपोज टू कॉन्फर सुप्रीम पावर। अब सुप्रीम पावर आपको कब मिलेगी, जब ऑब्वियसली आपका राज्याभिषेक कोरोनेशन हो जाएगा तब। नेक्स्ट वन इज अश्वमेघ। अश्वमेघ के बारे में तो आपको पूरी तरीके से फीलिंग आ गई होगी क्योंकि बचपन से सब लोग रामायण देख करके ही पैदा हुए हैं। इसके बाद जो है वाजपेय चैरियॉट रेस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, विच वॉज द रॉयल चैरियॉट वॉज मेड टू विन द रेस अगेंस्ट हिज किंग्समैन। तो अपने राजाओं के बीच में ये इस तरीके की चीजें हो जाती थी। क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद से है किंग स्टार्टेड अज्यूमिंग हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक सम्राट, एकराट, सर्वभूमि, विराट। तो किंग था क्या कि अब ये चूंकि अपने आप को क्या है डायटी का मानना शुरू हो गया था, दैवीय सिद्धांत, दैवीय प्रिंसिपल, देवता का रूप मानना शुरू हो गया था, अवतारवाद का सिस्टम हो गया था। अच्छा एक चीज यहां पर ये कैसे पता चला, हाउ डिड दिस थिंग बी गेट, किस तरीके से पता चला, होता क्या था कि इनकी पूजा शुरू हो गई, किंग की पूजा शुरू हो गई। इनफैक्ट इन द फ्यूचर जैसे मौर्य एज या फिर हम लोग आगे जब गुप्ता डायनेस्टी और भी कई सारी डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे इन्होंने क्या किया था, जो भी मंदिर जो भी टेम्पल्स वगैरह बनवाए थे वहां पर अपनी फोटो लगा दी थी, अपनी मूर्ति लगा दी थी कि मतलब पीपल कैन कम एंड दे वर्शिप देयर ओन किंग, अपने राजा की खुद पूजा कर सकते हैं। तो ये जो है दैवीय अवतारवाद का एक प्रिंसिपल बोला जाता है। और ये क्या है, ये पावर है, दिस इज पावर, कि राजा जो है अपने आप को बहुत पावरफुल समझना, इतना पावरफुल समझना शुरू कर देता है कि वो अपने आप को ही भगवान मान लेता है। समटाइम्स मैम ऑल्सो कम कि भाई लगता है कि जो है मैं ही भगवान हूं। तो वही चीज यहां पर हुआ करती थी, देवर ऑल्सो समथिंग लाइक मैम्स, यहां पर मैम बन जाना चाहिए, ओके।
जोक्स अपार्ट आते हैं हम लोग यहां पर। तो सम्राट, एकराट और सर्वभूमि और विराट, ये कुछ टाइटल्स थे जो किंग जो है वो यूज करना शुरू कर दिए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट द किंग ऑफिसर वॉज कॉल्ड एज संगीत्री। हम लोग बात करेंगे अभी क्या है संगीत्री के बारे में, अभी पूरा का पूरा मैं चार्ट दूंगा आप लोगों को। द किंग डिड नॉट पोजेस एनी स्टैंडिंग आर्मी। ओके, यहां पर दो चीजों के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना था। लाइक आर्मी, हम लोगों ने ऋग्वैदिक में बात किया हुआ था कि यहां पर हमारे पास कोई भी एक फिक्स आर्मी नहीं हुआ करती थी इन आवर अर्ली वैदिक पीरियड। सिमिलरली यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में भी किसी तरीके की एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, जब भी वॉर होती थी अकॉर्डिंगली जो है वो यूज कर लिया करते थे। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, द किंग हैड टू ईट अलॉन्ग विद हिज ओन पीपल फ्रॉम द सेम प्लेट। तो जो भी लोग हुआ करते थे उसके राज्य दरबार में, साथ में उसी तरीके की प्लेट, सेम प्लेट के साथ में खाना पड़ता। तो यहां पर कोई सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स यहां पर नहीं होता था। अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग पोस्ट और उससे रिलेटेड फंक्शन के बारे में, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर सीधे पूछ लिया जाता है कि पुरोहित क्या है, सेनानी क्या है, वज्रपति क्या है, जीवग्रीवा क्या है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये आप लोग पोस्ट जो है वो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग क्या चीज है पुरोहित। पुरोहित का मतलब क्या है, एक तरीके का प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब जो पूजा करवाता है। तो दिस इज द चीफ प्रीस्ट, ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज राष्ट्र गोपा। ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्र गोपा, क्योंकि होता क्या है ना कि हिंदी वाला टर्म ही पूछ दिया जाता है। तो राष्ट्र गोपा, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पुरोहित को बोला जाता था, जो कि बेसिकली पूजा पाठ करवाने वाले चीफ होते थे। ठीक है, इनफैक्ट घरों में भी जो भी पूजा पाठ होती है तो उसमें पुरोहित जी होते हैं, तो पुरोहित से आप समझ सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज हियर। सेनानी, अगेन द सेनानी जो था वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, नाम से ही पता चल रहा है सेना का आदमी, सेनानी। ठीक है, और इनफैक्ट ये जो है वो सभा में इंक्लूड किए जाते थे ताकि ये लोग भी, राजा जो भी बनता था उसका ये लोग भी कह लीजिए कि इलेक्ट कर रहे होते थे, देख रहे होते थे कौन राजा बनने लायक है। इसके बाद होता है वज्रपति। वज्रपति इसका मतलब होता है जो भी पास्चर लैंड है उसका ये ऑफिस इन चार्ज होता था। तो बेसिकली जो जमीन है उसी का ये एक तरीके से कर्ता धरता है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर समझ लीजिए, जब एग्रीकल्चर हुआ करती थी उस एग्रीकल्चर में अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होती थी, कम्युनिटी फार्मिंग हुआ करती थी। कम्युनिटी फार्मिंग, कम्युनिटी फार्मिंग का मतलब कि यहां पर सिस्टम नहीं था। सिस्टम का मतलब कि यहां पर लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं हुआ करती थी, दे यूज टू फॉर्म ऑन द कम्युनिटी फार्म। ठीक है, बाकी वही लेटर वैदिक में क्या हो गया, लेटर वैदिक में ये लोग इंडिविजुअल ओनरशिप पे आ गए, मतलब जो भी फॉर्म्स होती थी उसकी इंडिविजुअल ओनरशिप हो जाती थी, और इस इंडिविजुअल ओनरशिप के कारण ऑब्वियसली आपको वज्रपति रखना ही पड़ेगा। तो ये होता था बेसिकली ऑफिस इंचार्ज ऑफ द पास्चर लैंड। इसके बाद होता था एक पुलिस ऑफिसर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक जीवा ग्रीभा होती थी। जीवा ग्रीभा, दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टेक्निकल है इस वजह से जीवा ग्रीभा याद रखिएगा। इसके अलावा होते थे दूत। दूत का मतलब हो जाता था एक तरीके का समझ लीजिए कि जो स्पाई का काम भी कर रहे होते थे, साथ ही साथ मैसेंजर का भी काम कर रहे होते थे। तो इस तरीके से ये जो भी मैसेज या जो भी चीजें होती थी आसपास के क्षेत्रों में जब फैलाना होता था, तो ये दूत जो है वो इधर उधर जा रहे होते थे। इसी तरीके से होती है मध्यमासी। मध्यमासी का मतलब वो होता था जो भी डिस्प्यूट हुआ उसका मीडिएशन कराना है, मतलब एक तरीके से मान लीजिए इनकेस ट्रीटी करवानी है तो दोनों पक्षों को लेके आने वाला, ये भाई साहब इधर से, ये भाई साहब इधर से, बीच में एक बंदा होता है जो बुरा बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिएटर, जिसको बोलते हैं मध्यमासी, और ये होती है बेसिकली पोस्ट मध्यमासी की। नेक्स्ट होती है, दिस इज भागदूत। एक्चुअली भागदूत इसको बुलाता था, भागदूत का मतलब होता था जो रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा होता था। होता क्या है यहां पर, एक और सिस्टम जरा समझ लीजिए, अर्ली वैदिक पीरियड में जितने भी टैक्सेस होते थे वो तो वॉलंटियर बेसिस पे थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि टैक्स जो है वो कंपल्सरी कर दिया गया था, और इस कंपल्सरी करने के कारण ही यहां पर हमें एक भागदूत भी लगाना पड़ा, साथ ही साथ में ट्रेजरी के लिए संग्रहित्री लगाना पड़ा, मतलब सी संग्रहित करने वाला, संग्रहित। तो ये बेसिकली हिंदी टर्म, अगेन दिस इज ऑल, दिस इज ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी होने के कारण से इस तरीके से यहां पर भागदूत और संग्रहित आ जाती है, जो सिस्टम आ जाती थी। इनफैक्ट जो टैक्स कलेक्शन भी है उसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। एक है जिसको बोलाता है विषमत्ता, दिस इज विषमत्ता। विषमत्ता का मतलब ये होता है वैश्यों से जो भी टैक्सेस लिया जाता था उसको विषमत्ता बोला जाता था। दूसरा वर्ड हुआ करता था जिसको बुलाता था अनस्य वलीकृत, दिस इज अनस्य वलीकृत।
इस अनस्य वलीकृत को अगेन बोला जाता था, जो भी दूसरों को जो टैक्स दिया करता था, जैसे राजा को जो टैक्स दिया जा रहा है उसको बोला जाता था। यहां पर देखिए, अगेन टेक्निकल वर्ड है तो थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए दो टेक्निकल वर्ड है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जैसे एक है जिसको बोला जाता है विषमत्ता, और दूसरा है जिसको बोला जा रहा है अनस्य वलीकृत। दिस इज अनस्य वलीकृत। अब इसका मतलब क्या है, जरा दोनों का मतलब समझिएगा। अगर वैश्य, दिस इज द वैश्य, वैश्य जब राजा को टैक्स दे रहा है तो उसको बुलाया रहा है विषमत्ता। अनस्य वलीकृत का मतलब ये हो रहा है कि जब भी वैश्य या कोई भी किसी को टैक्स दे रहा है, नॉट ओनली रिलेटेड विद द राजा, किसी को भी टैक्स दे रहा है तो उसको बुलाता था अनस्य वलीकृत। ये टेक्निकल वर्ड है दोनों, ध्यान में रखिएगा क्या चीज है। इसके बाद होती थी जो चीफ क्वीन होती थी उसको बुलाता था महिषी। सिमिलरली चैरिटियर्स एंड कोर्ट मिनिस्टर जो भी होता था उसको बोलता था सुता, सुता बुलाता था, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग आती है हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर में अगर, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो न्याय सिस्टम था, जो भी जुडिशियल सिस्टम था, वो भी परमानेंट नहीं था, वो भी जो है इसी तरीके से जब भी जरूरत पड़ती थी, या फिर सभा जो होती थी, सभा इनफैक्ट अब जो है वो किंग के हाथ में चली गई थी, तो इस वजह से किंग जो भी बोलता था उसी के हिसाब से अब चलना शुरू हो गया था। अब सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो सोशल स्ट्रक्चर में द लेटर वैदिक सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इन द फोर वर्णास। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस है कि ब्रह्मणास, फिर राजयास, या फिर क्षत्रिय, या फिर वैश्य शूद्र, तो ईच वर्ड असाइन विद देयर ड्यूटी। बस प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर बाई बर्थ सिस्टम होना शुरू हो गया था, तो अब जो सिस्टम था जो पहले बाई ड्यूटी हुआ करती थी हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू बाई बर्थ। ऑल्दो अभी उतना ज्यादा रिजिड सिस्टम नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह सिस्टम काफी ज्यादा रिजिड हो जाएगा, और जब आगे मौर्य डायनेस्टी या फिर आगे और गुप्ता डायनेस्टी आएगी तो ऑब्वियसली द सिस्टम इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर रिजिड, काफी ज्यादा रिजिड हो जाती है। ओके, अब देखिए यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिस्टम है वो 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि दीज आर द टेक्निकल डिटेल्स, ये आपको जानना चाहिए। और ये लिखा गया 10th मंडल में जिसको बोला था वर्ण सिस्टम, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑल द थ्री हायर वर्णास शेयर्ड वन कॉमन थिंग, इसको बोला था द्विज। अब देखिए द्विज जो है, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो यहां पर याद रखने वाली है। जैसे एक है जिसको द्विज बोला जाता था, द्विज जो होती थी वो केवल और केवल थ्री वर्णास, जो टॉप के थ्री थे कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य, केवल यही, इन्हीं को ये द्विज की सुविधा थी, मिलती थी। द्विज का मतलब क्या है, द्विज का मतलब होता था राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये द्विज के हकदार थे। द्विज का मतलब होता है ट्वाइस, टू बर्थ्स। अब ये टू बर्थ्स क्या है, बेसिकली टू बर्थ का मतलब ये होता है, एक तो होती है जो नॉर्मल आप लोगों की बर्थ होती है, एक दूसरा बर्थ बोला जाता था जिसको संस्कार, संस्कार के माध्यम से बोला जाता था, और वो भी उपनयन संस्कार के माध्यम से, उपनयन संस्कार। उपनयन का मतलब अगेन एजुकेशन। इस एक बाद, इसके बाद एक और सेकेंड बर्थ मानी जाती थी, और यहां पर इस उपनयन संस्कार में कई सारे, जैसे जनेऊ धारण भी करना होता था, तो यहां पर जनेऊ सिस्टम भी आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से उपनयन संस्कार में जनेऊ दिया जाता था, जहां पर बेसिकली तीन धागे दिए जाते हैं, थ्री थ्रेड्स दिए जाते हैं, जिनको सम, तम और रज बोला जाता है। तो ये बेसिकली तीन धागे होते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट एज सच, बस वो तो मुझे जानकारी थी तो आपको बता दिया गया। तो ये बेसिकली सिस्टम हुआ करता था, लेकिन यहां पर सिस्टम ये है कि जो वुमेन होती थी और जो शूद्राज हुआ करते थे उनको ये द्विज का सिस्टम नहीं मिलता था, मतलब उनका उपनयन संस्कार भी नहीं होता था, मतलब उनको जनेऊ भी नहीं पहनना होता था। यानी कि जब भी मैरिज होती थी, उस मैरिज के बाद जो बंदा होता है, जो भी आदमी होता है, फिर इफ दिस पर्सन बिलोंग्स टू ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, तो 3+3 टोटल के टोटल 6 धागे पहनने पड़ते हैं, 6 थ्रेड्स हो जाती है, ठीक है। तो और वो भी शादी के बाद हो जाती है, बिकॉज नाउ द पर्सन इज हैविंग टू सोल, इस वजह से दो रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्मेट में 6 धागे पहनने पड़ जाते हैं। खैर आज का सिस्टम काफी ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन हो गया है, समटाइम्स इसको कई सारे धागे हो जाते हैं अलग अलग नाम से, बट उस समय की फंडा यह था कि 6 धागे पहनने होते थे आफ्टर द मैरिज। ओके चलिए, खैर तो यहां पर देख लेते हैं, दिस इज द ट्वाइस बर्थ, दे वर एंटाइटल्ड टू उपनयन और द इन्वेस्टिचर विथ द सेक्रेट थ्रेड। सेक्रेट थ्रेड का मतलब वही है जनेऊ के मतलब, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, देखिए थोड़ी सी यहां पर अगर हम लोग टेक्निकलिटी डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा आसानी से।
द फोर्थ वर्ण वर डिवाइड फ्रॉम द सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी, मतलब जनेऊ को ये नहीं धारण कर सकते थे, एंड विद इट बिगैन द इम्पोजिशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑन द शूद्रास। ठीक है, अब इसके बाद एक और सिस्टम आती है, गोत्र सिस्टम। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने किसी की मैरिज वगैरह देखी होगी या किसी की मैरिज हुई होगी, तो सेम गोत्र में कभी भी शादी नहीं होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कभी आप लोगों ने पूछा किसी से कि आखिर में सेम गोत्र में क्यों शादियां नहीं होती हैं? इसके पीछे एक्चुअली रीजन जो है वो वैदिक सिस्टम में है कि आखिर में क्यों जो है सेम गोत्र में शादी नहीं होती। गोत्र का मतलब क्या होता है? दिस इज गोत्र। गोत्र का मतलब ये होता था कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक कुल है, कुल का मतलब क्या हो गया, एक फैमिली। इस फैमिली के अपने पास काऊ होंगी, और आपको पता है कि गोधन ही उस समय का एकमात्र बार्टर ट्रेड के लिए सिस्टम हुआ करता था। तो दिस फैमिली विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स काऊ, अपने काऊ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, और मैक्सिमाइज होगा कैसे, मैरिज से। मैरिज से क्या होती है कि न्यू रिलेशंस बिल्ड होती हैं। अब मान लीजिए कि अगर ये बंदा सेम कुल में ही शादी कर ले तो ऑब्वियसली इसके गाय कभी बढ़ पाएंगी क्या? नहीं बढ़ पाएंगी। तो ये क्या करता था कि दूसरे कुल में शादियां होनी शुरू हो गई, इस दूसरे कुल के माध्यम से इसकी भी गाय और इसकी भी गाय, दोनों लोगों की गाय मिलकर के एक्स्ट्रा काऊ हो गए, मतलब एक्स्ट्रा इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी बन गई इनकी। इस एक्स्ट्रा इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी के माध्यम से ही ये पूरा का पूरा फैशन हो गया, और फैशन अल्टीमेटली लीड टू अ ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन निकल के आ गया कि सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से ये फैमिली रिलेशन मान लिया जाता है। बट द मेन रीजन वॉज द इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी अपने सिस्टम को बढ़ाने के लिए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन द लेटर वैदिक, इट मींस द काउ पेन और द प्लेस वेयर कैटल बिलोंग टू द होल क्लैन आर केप्ट। दिस क्लैन इज क्या है, कुल है, या किसी को बोल सकते हैं हम लोग फैमिली। ठीक है, द पीपल बिगैन टू प्रैक्टिस गोत्र एक्सोगेमी। तो ये बेसिकली जो सिस्टम मैरिज से रिलेटेड है वहां पर ये गोत्र सिस्टम आ जाता है। नो मैरिज कुड टेक प्लेस बिटवीन पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र और हैविंग द सेम एंसेस्टर, एंड दिस इज अगेन इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी। समझ में आ गया होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आश्रम सिस्टम के बारे में आ जाते हैं, और ये लिखा गया है किसमें, जबालोप निषद में। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, 25 25 25 25 100 ईयर को आप लोगों ने फोर टाइम से डिवाइड किया था, 25 25 साल को लेकर के, और इस 25 25 साल में अलग अलग सिस्टम हुआ करता था, लाइक फोर स्टेजेस ऑफ द लाइफ विच वॉज नॉट वेल स्टैब्लिश्ड इन द अर्ली। स्टैब्लिश्ड था बट वेल स्टैब्लिश नहीं था, ये वेल स्टैब्लिश होती है लेटर वैदिक एज में, और ये बेसिकली वो चार सिस्टम है, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब है स्टूडेंट, इसके बाद है हाउस होल्डर, फिर उसके बाद से पार्शियल रिटायरमेंट एंड द कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड हो जाती है संन्यास, और इसका फिर अल्टीमेटली सिलेक्शन हो गया है, अपने नए दुनिया में जा चुका है। बट नाउ ओनली द थ्री वर मेंशन्ड इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट, द लास्ट ऑफ द फोर्थ स्टेज हैड नॉट बीन वेल एस्टैब्लिश्ड इन द लेटर वैदिक टाइम्स। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वानप्रस्थ में बेसिकली करते क्या थे, अरण्यकास जाकर के लिखते थे। अरण्यकास का मतलब कि मेडिसिन जाकर के वहां पे खोज रहे होते थे और बता रहे होते थे कि हाउ दिस मेडिसिन कैन क्योर सम डिसीजेस। ठीक है, ये सारा सिस्टम कहां लिखा हुआ है, जबालोप निषद में लिखा गया है, दिस इज मेंशन्ड इन ओनली जबालोप निषद। नाउ द नेक्स्ट थिंग, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इनफैक्ट अभी तक जो डायटीज हुआ करती थी, जो भगवान होते थे, वो सेक्रेट हुआ करते थे, पवित्र हुआ करते थे, पूजा की जाती थी, लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक होता है देवताओं की भी कैटेगरी बन जाती है कि ब्राह्मण के देवता है, क्षत्रिय के देवता है, वैश्य के देवता है, और ये शूद्र के देवता है। इनफैक्ट शूद्र के देवता पूषण को माना जाना शुरू हो गया था, पूषण एक देवता होते हैं, उनको माना जाने लगा कि ये जो है वो शूद्राज के देवता है। द टू आउटस्टैंडिंग ग्रीक वैदिक गॉड्स इंद्र एंड अग्नि लोस्ट देयर इनफॉर्मर इंपॉर्टेंस। जैसे इंद्र के बारे में आपको पता है ऋग्वेद में 250 टाइम्स इनका सिस्टम लिखा गया, और अग्नि के लिए 200 टाइम्स लिखा गया है, लेकिन इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो लेटर वैदिक एज में कम होनी शुरू हो गई थी। द अदर हैंड प्रजापति क्रिएटर केम टू ऑक्यूपाई द सुप्रीम पोजिशन इन द लेटर वैदिक फिनफ्योन। इसमें है क्या, प्रजापति जैसे क्या है, प्रजापति कोई और नहीं है, इंद्र का ही नाम है, इंद्र को ही प्रजापति भी बोला जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरविद नाम है, पुरंदर नाम है, बहुत सारे नाम है, एंड इनको क्रिएटर भी बोला जाता है, हालांकि क्रिएटर जो थे वो ब्रह्मा थे। तो रुद्र द एनिमल ऑफ, मतलब गॉड ऑफ एनिमल्स, बिकेम इंपॉर्टेंट इन लेटर वैदिक टाइम्स, एंड विष्णु केम टू बी कंसीव्ड एज द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। ठीक है, ओके,
सम साइंस ऑफ आइडोलेट्री वर नोटिस, इंपॉर्टेंट फीमेल जो डाइटीज थी लेटर वैदिक पीरियड की, जैसे उषा हो गई, उषा के अलावा जो होती है अदिति हो गई, पृथ्वी हो गई, आर्यानी हो गई एंड सरस्वती होगी। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट एक चीज है, सन के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। सन के एक्चुअली तीन नाम है, एक नाम है जिसको बोला जाता है मित्र, दूसरा होता है जिसको बोला जाता है उषा, और तीसरी होती है जिसको बोला जाता है सविता। मित्र का मतलब ये होता है जो एक तरीके से सनराइज पोजीशन को बोला जाता है मित्र, तो इसीलिए कई लोगों का आप लोगों ने नाम सुना होगा मित्र। इनफैक्ट मित्र जो है एक देवता भी थे, और ये बेसिकली राइज का एक सिंबल होता है। उषा जो होती है, उषा का मतलब होता है एक तरीके से कह लीजिए कि जो अर्ली मॉर्निंग पीरियड में होती है उसको हम लोग उषा काल बोलते हैं। उषा काल जो होती है ना, मॉर्निंग राइज एक तरीके से, उसको बोला जाता है उषा। सविता का मतलब होता है जब सन शाइन हो जाती है, तो दिस इज बेसिकली सन शाइन। गायत्री मंत्र जो लिखी गई है वो सविता के लिए लिखी गई है। क्लियर हो गया, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको जानना चाहिए। और द मोड ऑफ वर्शिप चेंज हो गया कंसिडरेबली, यज्ञ वगैरह होना शुरू हो गए थे। प्रेयर्स कंटिन्यू टू बी रिसाइटेड बट दे सीज टू बी डोमिनेंट मोड ऑफ रेप्लिकेटिंग द गॉड। सैक्रिफाइसेस बिकेम मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट एंड दे अज्यूम्ड बोथ पब्लिक एंड डोमेस्टिक कैरेक्टर। द गेस्ट वर नोन एज द गो घन। अब यहां पर जरा समझिएगा ध्यान से, बड़ा ही क्रूशियल, बड़ा ही कह लीजिए क्रिटिसाइजिंग पॉइंट में मैंने पाया बुक्स वगैरह में। दिस इज गो घन, इसमें होता क्या है कि ये लोगों को कैटल दिया जाता था खाने को, जो भी गेस्ट आते थे उनको कैटल दिया जाता था खाने को। इन फैक्ट सम ऑफ द बुक्स में मैंने काऊ भी पाया, यानी कि बीफ सर्व किया जाता था खाने को लेकर के। तो हालांकि इसमें देयर इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क, बट बुक्स में लिखा हुआ है एंड द ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैं भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन सम बुक्स और इंटरनेट एंड देख सकते हैं आप कितना सही कितना गलत है। बट अगेन जो है, दिस इज अगेन अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, क्रूशियल पॉइंट्स है, देख सकते हैं आप क्या चीज है यहाँ पर। द प्रीस्ट हु ऑफिशिएटेड एट सैक्रिफाइसेस वर रिगार्डेड जेनरसली एंड गिवन दक्षिणा और गिफ्ट। तो गिफ्ट वगैरह देने का सिस्टम यहाँ पर, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, गड़बड़ सिस्टम होना शुरू हो गया था। अब आखिरी बात करते हैं हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन की, द इकोनॉमिक सिस्टम की, अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है। तो देखते हैं जरा अर्थव्यवस्था क्या चल रही है। यहां पर देखिए, यहां पर जब सिस्टम के बारे में बात करेंगे, द आर्यंस नाउ लिव्ड अ सीडेंटरी लाइफ। अब ये परमानेंट सेटलमेंट हो चुका था, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए थे क्योंकि लोहा खोजा जा चुका है, यानी कि जो भी आयरन है उसकी खोज हो चुकी है। अब जितने भी हल प्लॉशेयर्स वगैरह बनाए जाने हैं वो आयरन से बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कैटल स्टिल कंस्टिट्यूटेड द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से जो मूवेबल प्रॉपर्टी या कह सकते हैं जो भी बार्टर सिस्टम था वो कैटल से ही या फिर काउ से ही होता था। वीट वॉज ऑल्सो कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द पीरियड अलॉन्ग विद द बार्ले एंड राइस इज मेंशन्ड इन द सोर्सेज बट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट क्रॉप एट द टाइम। बीम्स और सीसम पल्सेस ये सब चीजें यूज हुआ करती थी। न्यू आर्ट आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन वो निकल करके आ गए हैं, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ आयरन। अगेन न्यू एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था ना, तो वही चीज है, स्मेल्टर्स हो गए, आयरन स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स हो गए, वेवर्स हो गए, लेदर वर्कर्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, डायर हो गए, पॉटरीज, तो बहुत सारे नए एम्प्लॉयमेंट निकल करके आ गए थे ये सारा सिस्टम। तो ट्रेड वॉज ऑल्सो बूस्टेड, हाउएवर बार्टर सिस्टम अभी भी चल रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम देखा, क्या क्या सिस्टम हो रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए, मैरिज सिस्टम को लेकर के। मैरिज सिस्टम को लेकर के थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज जरा समझ लीजिए कि टोटल, वन सेकेंड, ओके, एक सिस्टम इंपॉर्टेंट है मैरिज को लेकर के। मैरिज जो है जो होती थी वो बेसिकली कैटेगरी, दो तरीके की कैटेगरी थी, टू कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी बोला जाता था जिसको बोला जाता था अनुलोम, अनुलोम मैरिज, और दूसरी होती जिसको बोलाता था प्रतिलोम मैरिज। अनुलोम मैरिज का मतलब होता था कि जब भी शादी हायर क्लास में होती थी, मतलब कि जो मेन है वो हाई क्लास का है और वुमेन किसी भी क्लास की हो सकती है, किसी भी कास्ट की हो सकती है। लाइक मेन शुड बी ब्राह्मण इफ द वुमेन इज क्षत्रिय, मैन शुड बी क्षत्रिय इफ द वुमेन इज शूद्र, और वैश्य, मैन शुड बी वैश्य अगर महिला जो है वो शूद्र है। हालांकि ऐसा कभी शादी होती नहीं थी, सेम क्लैन में ही क्या था, ब्राह्मण वाले ब्राह्मण में, क्षत्रिय वाले क्षत्रिय में, बट एट मैक्स द थिंग्स कैन बी लाइक दिस, जहां पर मैन जो है वो हायर क्लास का होना चाहिए। बट इन केस
वुमेन हायर क्लास की हो जाती थी तो उसको बुलाता था प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम मैरिज, और फिर इनका हो जाता था बायकॉट। यहां पर लग जाती थी एक राजस्थान वाली खाप पंचायत और इन लोगों को भगा दिया जाता था। तो दिस इज जस्ट अ मोड टू किस तरीके से आपको समझ में आ जाए। अच्छा, एक मैरिज का जो सिस्टम था वो अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक पार्ट था जिसको बोला जाता था बढ़िया वाला विवाह, मतलब कि गुड मैरिज, गुड टाइप ऑफ मैरिज। दूसरी थी जिसको बैड टाइप ऑफ मैरिज बोला जाता था। गुड टाइप ऑफ मैरिज में अगेन फोर टाइप की चीजें आ जाती थी। एक बोला जाता था जिसको बुलाता था ब्रह्म विवाह, ब्रह्म मैरिज। सेकेंड होती थी जिसको बुलाता था प्रजापत्य मैरिज। थर्ड होती थी जिसको बुलाता था देव मैरिज, मतलब देवता वाली, डाइटी वाली। और लास्ट होती थी आर्श मैरिज। ब्रह्म का मतलब होता था जो एकदम फैमिली वाली, जो अरेंज मैरिज होती है उसी को बोला जाता है ब्रह्म मैरिज। प्रजापत्य विवाह का मतलब क्या होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए जब भी कोई शादी होती थी तो उसको बुलाता था प्रजापत्य विवाह। जनरली ये क्षत्रियाज में होती थी। नेक्स्ट, देव विवाह का मतलब होता था जब भी किसी लड़की की शादी किसी ब्राह्मण से, किसी ऋषि महर्षि इन लोगों से की जाती थी उसको देव विवाह। देव मतलब देवता का रूप माना जाता था। आर्श विवाह का मतलब ये होता था जहां पर जो मेन साइड था वो लड़की वाले को एक पेयर ऑफ काऊ देता था। तो इस तरीके से यहां पर काऊ के बेसिस पे शादी हुआ करती थी, तो ये आर्श विवाह कहा जाता था। अब इसके बाद से होता है बैड टाइप ऑफ मैरिज। अगेन फोर टाइप के हुआ करते थे। अब ये जो बैड टाइप ऑफ मैरिज होते थे, बड़ा ही विचित्र सा मिला मुझे, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग टाइप ऑफ थिंग हियर। एक होती थी जिसको बुलाता था गंधर्व विवाह, गंधर्व मैरिज। नेक्स्ट होती है जिसको बोला जाता है असुर मैरिज। नेक्स्ट होती है जिसको रावण मैरिज बोलते हैं। लास्टली होती है जिसको पिशाच मैरिज बोलते हैं। गंधर्व का मतलब होता है लव मैरिज। लव मैरिज वॉज बार्ड हियर। एक्चुअली लव मैरिज इज नॉट द थिंग, नॉट द बैड थिंग हियर। एक्चुअली होता क्या था कि यहां पर बिना अपने पेरेंट्स को बताए फिर भाग करके शादी, तो ये जो भाग करके वाली शादी है वो आज भी परमिटेड नहीं है। लव मैरिज तो चलिए ठीक है, पेरेंट्स की परमिशन हो जाती है एंड अल्टीमेटली दे मेक देयर एग्रीमेंट एंड ऑल दैट, जो भी चीजें होती हैं। लेकिन भाग कर वाला आज भी भगोड़ा बैठा दिया जाएगा, खाप पंचायत भगा दिया जाएगा। चलिए खैर, इसके अलावा असुर मैरिज होती थी। असुर मैरिज का मतलब होता था जहां पर ये जो मतलब जो भी ब्राइड है, मतलब ब्राइड इन द सेंस की जो लड़की है उसको जब खरीद लिया जाता था, मतलब एक्सचेंज फॉर्मेट में हुआ करती थी, तो दिस वाज अगेन बैड थिंग। रावण विवाह का मतलब होता था जब इसका एक तरीके से एक इसको जो है चुरा करके लेके आया जाता। चुरा करके लेके आने का मतलब हो गया कि इसको जब किडनैप कर लिया जाता था, तो दिस वॉज द किडनैपिंग वाली चीज। ठीक है, अब पिशाच का मतलब होता था जब रेप फॉर्मेट से शादी होती थी। तो देखिए पूरा का पूरा सिस्टम हो गया जो शादी के बारे में हो गया, सिस्टम क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, लाइक कुछ और भी सोशल ऑर्डर्स हुआ करते थे, जैसे स्मृति हुआ करती थी, इसके अलावा पुराण हुआ करते थे, दर्शन हुआ करते थे। अच्छा, रामायण महाभारत भी हुआ करते थे, बट अगेन दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और आगे हम लोग बात करेंगे जब भी हमारा कुछ नए टॉपिक्स आएंगे सामने, तो फिर हम लोग इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, जिसके बारे में हम लोगों ने लेटर वैदिक एज के बारे में सब कुछ डिस्कस किया ए टू जेड। इफ अगर आपको कोई दिक्कत होती है देन यू ऑब्वियसली यू कैन यूज दीज मोड्स ऑफ सोशल मीडिया, जिसको जिसके थ्रू आप हम तक रीच आउट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।